बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं यहाँ सबसे पहले वेलकम चीफ जस्टिस साहब, मुस्कान जई साहब, हमारे पार्टी के एमपीए जेरे साहब और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के डीसी असफंदियार साहब, औरंगजेब साहब और बाकी इलाकाई मोतबरीन, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज मुझे इनवाइट किया गया और कहा गया कि आज यहाँ पे हमारी जो जुडिशनी सिस्टम है उसको हम दोबारा से यहाँ पे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो मेरे जहन में जो एक चीज़ आई, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, एक सोशल वर्कर की हैसियत से, एक एजुकेशनिस्ट की हैसियत से, कि जब कभी हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं, तो उसे तालीम, इंसाफ और जो ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें हैं उनके अगर डोर स्टेप तक हम लेके जाएंगे तो देन इट्स पॉसिबल कि हम डिवेलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, लोगों के माइंड सेट चेंज कर सकते हैं। इस बिल्डिंग की तामीर से एक उम्मीद मेरे इन गरीब लोगों की, जो यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा हैं जो जाते थे और अपने केसेस लेके जाते थे, अगर डोर स्टेप पर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे उनको इंसाफ दिलाने में, तो इंशाल्लाह वी विल चेंज द वर्ल्ड और एक पॉजिटिव एक वे में हम अपने लोगों को लेके जा सकते हैं अगर हम उन्हें इंसाफ दें। क्योंकि जो बिल्डिंग हम यहाँ आप तामीर करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर गिविंग लोगों को आप इंसाफ उसके डोर स्टेप तक देंगे। बाकी जिस तरह अहमद नवाज भाई ने बात की कि पुरानी बिल्डिंग को अगर हम गर्ल्स एजुकेशन के लिए देंगे और वो हाई स्कूल हम शिफ्ट करेंगे, तो मेरी ये सोच है कि इंशाल्लाह उससे हम बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं और इंशाल्लाह हमारे हकूक, हमारे इंसाफ दिलाने के लिए जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं और हमारे सरियाब के जितने भी यहाँ डिप्लॉयड लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इंशाल्लाह इंसाफ उनके डोर स्टेप तक मिलेगा। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव इनिशिएटिव। एंड वंस अगेन सर, वेलकम एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि जो आप करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह फार फ्लांग इसके रिजल्ट्स इंशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। थैंक यू सो मच।